Good morning, friends. Yesterday, as I have told you, we will start with color code of a carbon resistor. So basically, actually अपना जो register होता है, वैसे दिखने में ऐसे होता है. यहाँ पर बेटा, इसको ring होता है. एक, दो, तीन. और रिंग को कलर होता है और चौथा रिंग एट डिस्टेंस होता है. तो आपको तीन रिंग मिलते हैं कलर्ड रिंग, इसको बोलते हैं आप कलर्ड रिंग्स. ये होते हैं आइदर गोल्ड और सिल्वर, कभी कभी नो कलर. नो कलर मतलब रिंग प्रेजेंट ही नहीं रहता है, खाली दो लाइन जो कुछ उसका बैकग्राउंड है उसके ऊपर दो दो लाइन खींचते हैं, उसको नो कलर बोलते हैं. उसको बोलते हैं नो कलर. तो अभी ये क्यों करते हैं? बिकॉज एज यू नो रेजिस्टर इज वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, एकदम इत्तू सा होता है, चीटी जैसा होता है, एकदम छोटा सा. तो अभी वो जब भी सर्किट पे लगाते हैं, क्योंकि सर्किट का स्पेस कम करने के लिए अपने को रेजिस्टेंस छोटा रखना जरूरी होता है. तो भी क्या होता है, इफ द रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, देयर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो विल बी देयर, वी विल नॉट बी एबल टू प्रिंट ऑन दैट रेजिस्टर, विल नॉट बी एबल टू प्रिंट ऑन द रेजिस्टर. तो अगर हम रेजिस्टर के ऊपर प्रिंट नहीं कर सकते तो कुछ तो तरीका होना चाहिए, उसका वैल्यू कितना है. नहीं तो चार रजिस्टर मैंने प्रोड्यूस कर दिया, हर अलग अलग वैल्यू का, एक एक कर दिया 400 ओम का, एक कर दिया 500 ओम का, एक कर दिया 1000 ओम का. तो अभी उसमें से पता कैसे चलेगा? तो वो पता करने के लिए एक कोड जनरेट किया गया और उसको बोलते हैं कलर कोड ऑफ अ कार्बन रजिस्टर. तो कल मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था ध्यान रखने के लिए, उसको बोला बताया था मैंने बीबी रॉय. Great Britain, very good wife. तो sentence क्या ध्यान में रखना है, बीबी रॉय, Great Britain, very good wife. तो यहाँ पे हर एक कलर के लिए, हर एक लेटर के लिए अपन को क्या करते जाना है, इसको सटीक से यहाँ पे लिख लेना है ये. तो उसका कलर क्या है, तो उसके लिए मैं पहले लिख लेता हूं. इसको आता है जीरो, इसको क्या आता है, जीरो आता है. इसको आता है वन, इसको आता है टू, इसको आता है थ्री, और ऐसे चला के इसको आगे तक ले जाते हैं. इसको आता है फाइव. इसका कुछ मतलब नहीं है, ये खाली सेंटेंस तैयार करने के लिए बने. इसको आता है सिक्स, इसको आता है सेवन, इसको आता है एट, इसको आता है नाइन. तो जीरो से नाइन तक लेके आपको ये कलर मिलते हैं. अभी कलर कैसे चालू होते हैं? पहला होता है ब्लैक, पहला बी क्या होता है आपका, ब्लैक. तो ब्लैक कितना आएगा बेटा, ब्लैक आएगा आपका वन, जीरो. ब्लैक के बाद में फिर से बी आएगा आपका, उसको बोलते हैं ब्राउन, ब्राउन को वन बोलेंगे. फिर से आएगा आपका रेड, रेड को बोलेंगे टू. बाद में आएगा ऑरेंज, ऑरेंज को बोलेंगे बेटा थ्री. बाद में आएगा आपका येल्लो, येल्लो को बोलेंगे फोर. येल्लो के बाद ग्रीन, ग्रेड के लिए ग्रीन, ग्रीन को फाइव बोलेंगे. बाद में फिर से बी आया, उसका मतलब है ब्लू, ब्लू के लिए सिक्स बोलेंगे. वेरी, वी मतलब वायोलेट, वायोलेट के लिए आएगा सेवन. जी फिर से आया आपका जी, तो उसको बोलेंगे ग्रे, ग्रे कलर, उसको एट बोलेंगे. और डब्ल्यू वाइफ, वाइफ फॉर वाइट. तो ये बन गया अपना कलर का कॉम्बिनेशन. ब्लैक है तो जीरो, ब्राउन है तो वन, रेड है तो टू, ऑरेंज है तो थ्री, येलो है तो फोर, ग्रीन है तो फाइव, ब्लू है तो सिक्स, वायलेट है तो सेवन, ग्रे है तो एट, वाइट है तो नाइन. तो आप पूछोगे सर ये तो हमें पता चला, अभी एक्चुअली रजिस्टर कैसे निकालना है?
अभी वही हम करने के लिए जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू दैट. वॉट इज द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर कलर कोड. नाउ वी विल डू दैट. तो अभी आपको एक मैंने कॉम्बिनेशन दिया है. ये तो आपको सेंटेंस ध्यान में रखना होगा. बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. तो बेटा अभी लिखने के लिए देखो नंबर वन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गिवन बिलो. एक रेजिस्टेंस दिया है उसका स्ट्रिप्स दिया है उसके ऊपर एक दो तीन और एक चौथा. स्ट्रिप्स का ये कैसे दिया है रेड रेड ऑरेंज एंड गोल्ड. तो मतलब आपका ये रेड रेड ऑरेंज गोल्ड अपन को फाइंड करना है इसका रेजिस्टेंस कितना आने वाला है. सो दिस इज अवर फर्स्ट टास्क. सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच विल बी द रेजिस्टेंस कमिंग आउट ऑफ दिस. तो अभी क्या करने का है करने के लिए क्या करने का रेड रेड का कलर कितना है कलर का कोड कितना है दो. तो रेड के नीचे दो लिख लो. बाद में फिर से रेड तो फिर से दो लिख लो. तो पहले दो कलर फर्स्ट टू कलर्स विल बी योर टू डिजिट्स. उसके बाद में तीसरा जो कलर है वो 10 की पावर बताते हैं. इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कितना 10 का पावर चाहिए. ये तो मतलब दो दो मतलब 22 हो गया 22 इट इज. नाउ थर्ड कलर इज ऑरेंज. ऑरेंज कितना है बेटा 3. सो आई विल राइट इनटू 10 टू द पावर 3. और गोल्ड क्या बताता है गोल्ड बताएगा आपको टॉलरेंस. तो ये क्या बताता है ये जो है वो डिजिट आपको बताता है टॉलरेंस. टॉलरेंस मतलब क्या जो आपको वैल्यू मिलने वाला है रेजिस्टर का से वो मिल गया 480 ओहम. तो एक्चुअली प्रोड्यूस करते समय एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेजिस्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट to all time to produce correctly 480 ohm resistor. So sometimes some material problems are there. Problem is while developing that material, okay, it is not able, they are not able to produce perfectly 480 क्योंकि उसके नीचे अंदर उसमें पाउडर होता है वो सब या ऐसे बना तो कार्बन वगैरह का पाउडर बना के इसलिए उसको कार्बन रेजिस्टर बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर. तो इसके लिए वो क्या होता है अगर 480 है तो 480 से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है. क्या मैं बोला 480 से थोड़ा कम भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है. तो कितना हो सकता है उसके ऊपर लिमिट है मतलब कितना एक्यूरेसी उसका है. तो अगर टॉलरेंस गोल्ड है अगर गोल्ड है तो आपका होता है 5%. आपका अगर सिल्वर कलर है तो होता है 10%. पर आपका अगर कलर ही नहीं है अगर नो कलर है तो आता है 20%. गोल्ड के लिए 5% सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए आपका 20% आता है. सो नाउ हियर गोल्ड इज देयर सो आई विल राइट 5%. तो इसको सॉल्व कैसे करने को तो पहले इसको मैं लिख देता हूं. ये बन गया मेरा 22 × 10³. ये बन गया. इसमें इसको आइदर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे. प्लस माइनस इसका 5% तो इसका 5% निकालेंगे. तो लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं 22 × 10³ ये मतलब कितना हो गया 22000 प्लस माइनस 5% ऑफ दिस मतलब 22000 × 5/100. सो 22 × 5 = 110. So, ये बन गया 1100. तो ये बन गया आपका रेजिस्टेंस. तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 22000 प्लस माइनस 1100. इसका मतलब है
आइदर ये 22,000 प्लस 1,100 जो कुछ वैल्यू है 23,100 उतना हो जाएगा, नहीं तो 22,000 माइनस 1,100 मतलब 20,000 समथिंग, 21,000 समथिंग और 20,900 समथिंग इसका वैल्यू हो जाएगा। इसको आप किलो ओम में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसको बोल सकते हैं आप 22 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 1.1, ये बन जाएगा किलो ओम। कौन से भी यूनिट में आपने किया आंसर वो भी, ये भी सही है, ये भी सही। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गिवन रेजिस्टर डिपेंडिंग ऑन द गिवन कलर कोड ऑफ द कार्बन रेजिस्टर। नाउ विल गो फॉर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, बट दोज विल बी गिवन एज द होमवर्क फॉर यू। तो होमवर्क क्या है लिख के ले लो। आई विल सजेस्ट यू वन बाय वन यू राइट द होमवर्क सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द प्रैक्टिस ऑफ दैट एंड इन योर नोटबुक यू सॉल्व दैट। आई विल आस्क यू टू गिव द स्नैप्स ऑफ द नोटबुक। ओके, तो आप जिसका नाम ले लूंगा उसको स्नैप्स भेजना पड़ेगा। तो पहले वाला है होमवर्क अपना। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। पहले ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड। ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड। दूसरा ले लो ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन, सिल्वर। दूसरा क्या ले लो ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन, सिल्वर। तीसरा ले लो रेड, ऑरेंज, ब्लैक, नो कलर। रेड, ऑरेंज, ब्लैक, नो कलर। फोर्थ ले लो ब्राउन, ब्राउन, रेड, ब्राउन, ब्राउन, रेड, गोल्ड। एंड फिफ्थ ले लो ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड गोल्ड। तो आपको ये पांच के वैल्यू आपको पता करनी है। व्हाट इट इज, पहले मैं रीड कर लेता हूं। ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड। दूसरा है ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन, सिल्वर। तीसरा है रेड, ऑरेंज, ब्लैक, नो कलर। चौथा है ब्राउन, ब्राउन, रेड, गोल्ड। एंड पांचवा है ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड गोल्ड। तो फर्स्ट राइट डाउन द होमवर्क। आई विल आस्क फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस इन योर नोटबुक। रेडी फॉर दैट, सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन द होमवर्क। आई विल गिव, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर आस्क मी, नो प्रॉब्लम। ऑन व्हाट्सएप यू मे आस्क मी द क्वेरी, आई विल गिव यू हाउ टू सॉल्व। इसके बाद में हम चलते हैं अभी, और एक बताता हूँ आपको चाहिए तो ठीक है, लेकिन इसका मैं बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। नाउ समटाइम्स दे मे आस्क यू द क्वेश्चंस लाइक दैट, दे विल आस्क यू, दे विल गिव यू सम वैल्यू। सपोज वो पूछेंगे आपको 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस तैयार करना है। कितना, कितने का चाहिए? 1K का, 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप हमें उसका कलर कोड बताइए, आप हमें उसका कलर कोड बताइए। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 इधर हम सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द कलर कोड फॉर वन किलो ओम रेजिस्टर। फाइंड द कलर कोड फॉर
1 किलो ओम रेजिस्टर। तो बेटा अभी 1 किलो ओम दिया है, 1 के दिया है। सो पहले हम निकालते, 1 किलो ओम का मतलब क्या है, ये बन गया अपना 1000 ओम। तो अभी इसको दो डिजिट के फॉर्मेट में और 10 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है विथ टॉलरेंस 10%। टॉलरेंस कितना चाहिए अपने को, 10% चाहिए। तो भाई 100 ओम के लिए, सॉरी 1000 ओम के लिए हम पता करते हैं। तो 1000 के लिए कैसा करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना बच गया 2, 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 10%। अभी देखो 1 का मतलब क्या, 1 मतलब अपना ब्राउन, तो मैं लिख सकता हूं पहले ब्राउन, बाद में 0, 0 का मतलब है ब्लैक, 0 का मतलब है ब्लैक, और 2, 10 का पावर कितना बन गया 2 बन गया, मतलब ये रेड बन गया, और ये 10% है इसलिए मैं इसको यूज करूंगा सिल्वर। तो ये बन गया मेरा कॉम्बिनेशन। तो कलर कोड क्या बन गया इस कॉम्बिनेशन 1 के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए कलर कोड क्या बन गया, ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर, ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर। अभी हम थोड़ा सा और एक दो चीज के लिए करके देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको, नहीं तो नीचे लिखता हूं। सेकंड, इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं। अभी 47 किलो ओम करना है, थोड़ा 47 किलो ओम कितना आता है, ये आता है 47 इंटू 10^3 ओहम, और प्लस माइनस हमें टॉलरेंस से चाहिए 5%। हमें कितना चाहिए टॉलरेंस, 5% चाहिए। तो भी 47, 4 मतलब क्या हुआ येलो, 7 मतलब हुआ वॉयलेट, तो क्या मैं लिख सकता हूं येलो वॉयलेट 10^3, 3 का मीनिंग क्या है ऑरेंज, येलो वॉयलेट ऑरेंज, और 5% के लिए मैं कैसे लिखूंगा, 5 किलो तो अपना है गोल्ड, आई विल राइट गोल्ड। सो whatever I will get the color code which will be yellow, violet, orange and the tolerance will be of gold color. So I hope you understood that. We'll go for the next one. इसके बाद हम जाते हैं दूसरी, अभी इसका homework देता हूँ आपको, इसका भी homework देते हैं, मतलब आपको ध्यान में रहेगा, okay? इसका होमवर्क देता है, होमवर्क 2, फाइंड द कलर कोड फॉर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, फॉलोइंग वैल्यू। ओके, पहले देता हूं आपको 22 किलो ओम विथ 20% टॉलरेंस। सेकंड चीज ले लो 4.7 ओम विथ 5% टॉलरेंस, 33 किलो ओम विथ 10% टॉलरेंस, 60 ओहम विथ 5% टॉलरेंस, और 4720 ओहम। लेकिन ये दिया तो अभी आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसे दे सकते हैं, तो अभी इसको दिया ना तो ये भी आएगा 47 किलो, तो इसको एवरेज करना पड़ेगा आपको। तो आप लिखोगे 4.72 मल्टीप्लाइड बाय 10^3, तो आपका कलर कॉम्बिनेशन वही आने वाला है क्योंकि उसी रेंज में ये पड़ता है। तो ऐसे भी देखता हूँ आपको, उसका आंसर ऑफकोर्स सेम आएगा, लेकिन दे के रखता हूँ आपको, बता के रखता हूँ।
with 10% tolerance. So of course this 5 और 2 का सेम आएगा, बराबर है, लेकिन ये वैल्यू परफेक्ट वो सेम नहीं, एवरेज वैल्यू, मतलब ये 4.7 परफेक्ट है, whereas ये 4.7 परफेक्ट नहीं है, ये है 4.72. तो ये ऐसा भी एग्जाम में आपको दे सकते हैं. तो इसका क्या करने का, घबराने का नहीं है, इसको 4.720 करके इसको 10^3 लगाओ. अगर 10^3 लगाया, 4.7 किया आपका, बराबर, मतलब डिजिट पहले दो का डिजिट लेने का, दो को यूज नहीं किए कि करना है, पहले एक और दो इनको ही लेने का, सेवन को आप सेवन ही रखो. अगर ये 80 बताया तो 7 को 8 करो, अगर ये 90 बताए तो भी 7 को 8 करो. जैसे हम वैल्यूज का करते हैं एवरेजिंग, उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेस. ओके, तो डेसिमल प्लेस का जैसे इधर उधर करते हैं राउंडिंग ऑफ, वैसे आप कर सकते हो. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द कलर कोड ऑफ द कार्बन रजिस्टर. ओके, अभी इसके बाद हम चलते हैं. I hope you have noted down. I will ask you to show that. ये बाद में करो और homework मुझे बाद में करके दिखाओ. So that was all about the color code of the carbon resistor. So up till now we have studied the Ohm's law in that the use of resistor, and then we have studied how the color code of the resistance can be formed. अभी क्या है? आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताना है, लेकिन ये आपके 10th में हुआ है, सो आई विल नॉट टेक मच मोर टाइम टू शो यू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बट एज पर द टॉपिक इज कंसर्न, इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस. ओके, सो विल गो फॉर दैट. सो विल गो नाउ फॉर सीरीज एंड पैरेलल combinations of resistors. Series and parallel combinations of the resistors. तो नंबर वन मैं पहले सीरीज कर लेता हूं. जैसे हमने कैपेसिटर का मैंने आपको पढ़ा है, वैसे ही रेजिस्टर का है. There is no change for the combination. Okay, only the formula that will flap. Whatever we were using for parallel, here we will use for series. And whatever we used for series, that we will use for parallel over here. Are you getting my point? Okay. So series combination. Suppose मैंने तीन resistor का series combination लिया है. उनको मैंने लिखा R1, R2 एंड R3, और इस कॉम्बिनेशन को मैंने सर्किट में जोड़ा, बैटरी को जोड़ा उसको विद की. तो बेटा क्या होने वाला है, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको हरदम याद रखना होगा, जो कोई करंट पास होता है सर्किट में, जो कोई करंट पास होता है, तो I इज कॉन्स्टेंट. I is constant. और जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होता है. कैसे डिवाइड होता है? R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3, ऐसे होता है. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं V1, ओके, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, यहां पे V2 और एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, और यहां पे V3 और एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया. तो अभी मैंने वोल्ट मीटर एमीटर वगैरह आपको पढ़ा है, तो इधर क्या हम पढ़ने वाले हैं, इधर करंट. तो यहां से ये डायग्राम इसका बन गया. तो क्या मैं लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. क्या बन गया अपना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ये कैसे बन गया, ऑफकोर्स जितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया है उतना ही आएगा, उतना ही आएगा. तो टोटल मिला के कितना आएगा, V आएगा. तो टोटल करने के लिए इसका कितना V1, ओके, इसका कितना V2, इसका कितना V3, इसको सिंपली ऐड किया तो अपना हो सकता है. ये आपने 10th में सीखा है, इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज नहीं करता हूँ. मैं डायरेक्टली आपका ये जो है उसको फॉर्मेट करता हूँ. अप्लाइंग ओहम्स लॉ
ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर. तो टोटल पोटेंशियल मतलब आर वन आर टू आर थ्री ये सबका मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो यूज करेंगे एज अ आर. और करंट तो जा रहा है अपना आई. सो एज अ वी आई कैन राइट आई इंटू आर एस. एस मतलब फॉर सीरीज इज इक्वल टू वी वन. वी वन कैसे आएगा फिर से आई इंटू आर वन. आर वन मेरा रेजिस्टेंस है इसमें से करंट कितना जा रहा है आई. तो पोटेंशियल कितना होगा वी वन. तो आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री. तो अभी बेटा क्या हुआ आई ने आई को काटा यहाँ पे. ये सब कॉमन आई है जिसको कॉमन लिया मैंने उसको काट दिया. आई को काटने के बाद व्हाट द वैल्यू आई गॉट आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. So, if the series combination is there, the total resistance of the circuit is just the addition of all the value of resistors. So, ये इसको note down करो. इसके बाद में case one. An identical resistors. अगर मैंने किया n identical resistors कैसे होगा RS will be n into R. एकदम सिंपल RS will be n into R. Identical जो resistor अगर है तो RS is always n into R. Are you getting my point? और अगर non identical है in general for any values of n resistors तो क्या मैं लिख सकता हूं आर एस विल बी समेशन आई रन फ्रॉम वन टू n आर आई. ये हो गया मतलब क्या उसका सबका फर्स्ट रजिस्टर से लास्ट रजिस्टर तक आप उसका एडिशन करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं. सीरीज में क्या होता है सीरीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. सो वॉट एवर इज द रेजिस्टेंस विच वी आर गेटिंग इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इट गेट्स इंक्रीज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके. नाउ विल गो फॉर द पैरेलल वन. इसको नोट डाउन करो आपके पास होगा तो नो प्रॉब्लम है इसमें ज्यादा कुछ करने का दिक्कत आपको नहीं है. अभी हम जाते हैं पैरेलल को क्योंकि इसके बाद मेरे को आपको किरचॉफ्स रूल वगैरह सिखाना है तो वो सिखाने के लिए आई वॉन्ट सम टाइम फॉर दैट. तो अभी बी को जाते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है आपको दिया है के तीन रजिस्टर है इनको मैंने नोड टू नोड कनेक्ट किया उनका एंड टू एंड मैंने कनेक्शन किया. तो ऐसे दिखेगा ये एक बैटरी जोड़ा है यहाँ पे स्विच जोड़ा है तो बैटरी का पोटेंशियल टोटल कितना हो जाएगा वी. यहाँ पे आई हो जाएगा मेरा करंट आई. तो इसको ए लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ आई ये प्लस माइनस. अभी क्या होता है इसको बोलते हैं जंक्शन. क्या बोलते हैं इसको जंक्शन. अभी आप ट्वेल्थ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हायर लेवल पे जाके ये चीज़ें बता रहा हूँ नहीं तो डायरेक्टली बोल के आप ये फॉर्मूला आएगा ये ऐसे करो वैसे करो ऐसा नहीं होता है. अभी इसके बाद अपने को किरचॉफ्स लॉ भी सीखना है तो किरचॉफ्स रूल में इधर से ही आपको क्वेश्चन आते हैं. तो अभी क्या होता है यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहता है. देखो बेटा वोल्टेज जो अपना होता है वो कांस्टेंट रहता है लेकिन करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. थोड़ा करंट I1 ऊपर जाता है सपोज मैं इसको लिखता हूँ R1 इसको R2 और इसको R3. तो थोड़ा करंट I1 इधर से जाता है थोड़ा करंट I2 इधर से जाता है थोड़ा करंट I3 इधर मतलब वॉट एवर इज द टोटल करंट I इसको मैं आई वन भूल के बोल दिया आई दैट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इक्वली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर. लेकिन
जो पोटेंशियल है वो वी ही रहने वाला है हर एक का, जैसे मैंने आपको बताया था पोटेंशियल विल बी कॉन्स्टेंट एंड टोटल करंट विल बी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री. टोटल करंट विल बी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हुआ. अब ये टोटल करंट हुआ अपना, तो बेटा इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, अभी ओहम्स लॉ अप्लाई करो. ओहम्स लॉ अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, सो आई विल बी V अपॉन R. ये हम यूज करेंगे. अगर है ये हम यूज करते हैं तो I का वैल्यू कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 जो मैंने किया था, I को बोलेंगे V अपॉन RP. अब ये RP क्या है, तो टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बोलेंगे हम RP. तो V अपॉन RP विल बी, I1 कैसे लिखेंगे, V तो कांस्टेंट है अपना, मैंने ऊपर लिखा है, तो V अपॉन R1. I2 कैसे बनेगा, V अपॉन R2 प्लस I3 बनेगा, V अपॉन R3 बनेगा. ये बनेगा आपका टोटल इक्वेशन. इसमें अभी फिर से करते हैं, फिर से क्या हो जाएगा, V ने V को काटा, यहाँ पे V V है तो उसको मैं काट देता हूं, और आपको क्या मिला अभी, और आपको मिल गया 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2 प्लस 1 बाय आर 3. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, नंबर वन इन जनरल लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल फॉर एन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू, एनी वैल्यू बता रहा हूं आपको, कितना भी वैल्यू है उनका, अभी कुछ अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसे लिखना है, तो वह हम लिख सकते हैं 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2 प्लस एंड सो ऑन 1 बाय आर एन, 1 बाय आर एन. तो हम इसका वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय आर पी इज इक्वल टू समेशन I run from 1 to n 1 by R I. This we can write in general. Are you getting my point? अभी general तो बन गया, अभी अपना case बनाते हैं. Case कैसे बन जाएगा, case बनाने के लिए case 2 लिख देता हूं. So for एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, अभी क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल के लिए ये तो बन जाएगा 1 बाय आर पी, इसको सबको बोलूंगा मैं 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, तो ये कितना हो जाएगा एन टाइम्स, तो 1 बाय आर पी कितना बन जाएगा एन बाय आर. तो मेरा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, आर पी इज इक्वल टू R by N. मतलब आपको दिया टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, एकदम सिंपल, टू का आधा 1, 3 दिया 3 का आधा 1.5, 4 दिया 4 ओम का दिया, तो सॉरी 4 दिया, सॉरी 4 दिया तो 4 का आधा 2 ओम. ओके, मतलब नहीं नहीं आपको उल्टा बता रहा हूं, सॉरी, आपको से 1 ओम का 4 रेजिस्टर दिया, कितना दिया 1 ओम का 4 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो कितना आएगा वैल्यू, कितना है हर एक का 1, 1 डिवाइडेड बाय नंबर कितना है 4 है, तो 1/4. इफ आई हैव गिवन यू 10 रेजिस्टर्स, कितना दिया आपको 10 रेजिस्टर दिया है, तो उसका वैल्यू कितना हर एक का 5 है, तो 5 ओम इधर आप लिखोगे 5/10. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जितना है, अगर दो ही दिया है, अगर दो ही दिया है 10 ओम का 2 दिया तो 10/2, 20 ओम का 2 दिया 20/2, अगर दो दिया है तो उसको आधा करो, 3 दिया है उसका 1/3 करो, 4 दिया है 1/4 करो, इफ n आइडेंटिकल. आर यू गेटिंग, सो फॉर्मूला विल बी R/N.
अभी इसमें दो स्पेशल फॉर्मूले आते हैं, वो हम ध्यान देते हैं। स्पेशल फॉर्मूले दो कौन से हैं? अभी उसमें उसमें आता है फॉर टू रेजिस्टर्स, मतलब जो हमने फॉर्मूला लिखा उसी के तोड़ मरोड़ मरोड़ के हम एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। आर पी विल बी आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये तो आपको मालूम है, आपने 10 में भी किया है। केस 4, ये भी ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। 3 के लिए फॉर 3 रेजिस्टर्स कैसे लिखने का? आर पी इज इक्वल टू आर वन आर टू आर थ्री, ये जो आपने सी में किया है, कैपेसिटर में किया है, वैसे ही आए गए। आर वन आर टू आर थ्री अपॉन आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री। सो 1 2 3 अपॉन 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1 3, 1 2 3 अपॉन 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1 3, ये हो गया पैरेलल की। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। इसके बाद हम थोड़ा सा पता करेंगे कि रेजिस्टर के लिए कॉम्बिनेशन के कौन कौन से बेसिक कनेक्शन से, बेसिक नेटवर्क्स। तो अभी हम बेसिक नेटवर्क्स का थोड़ा सा ट्राई करेंगे, बेसिक नेटवर्क्स को स्टडी करने के लिए। सो स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ द बेसिक नेटवर्क्स। ये लिख के लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करना है इसको। ओके, जैसा आपने कैपेसिटर में किया था वैसे। सो जस्ट नोट डाउन दिस, आई विल गिव यू टाइम, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस, इफ यू आर हैविंग देन नो प्रॉब्लम। सम बेसिक नेटवर्क्स। सो नंबर 1, जो आपको कैपेसिटर में भी दिया था, यहां पे क्या किया है, ये दो और ये दो इनको जोड़ा है। आर वन आर टू आर थ्री, अगर ऐसे आता है तो डायरेक्टली लिखने का, एक ए देखो आर वन को भी कनेक्टेड है, आर टू को भी कनेक्टेड है, आर थ्री को भी कनेक्टेड है, बी भी आर वन को भी कनेक्टेड है, आर टू को भी, आर थ्री को भी। तो डायरेक्टली दिस कैन बी डिनोटेड बाय लाइक दिस, आर वन आर टू आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री, यहाँ पे हो गया आपका बी ए, यहाँ पे हो गया पी। तो इसका आंसर ऑलवेज आता है, आंसर विल बी आर वन आर टू एंड आर थ्री इन पैरेलल। उन तीनों को कैसे करना है, पैरेलल करने, ऑल आर इन पैरेलल, ऑल आर पैरेलल आंसर। इसका आंसर कैसे आएगा, ऑल आर पैरेलल। तो ये पहले वाला है, फॉर एग्जांपल आपको दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये दिया 2 ओहम 3 ओहम 4 ओहम 2 3 4, तो इसको कनेक्ट किया, इसको ए बी। सो आर ए बी विल बी 2 × 3 × 4 अपॉन 2 3 = 6 प्लस 3 4 = 12 प्लस 4 2 = 8 26 सो 12 2 = 24 13 2 = 26 इसका इक्विवेलेंट आप कितना आ गया, आर ए बी विल बी 12/13। सो ये बन गया अपना पहला नेटवर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दूसरे के लिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, जब आपका टाइम आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे आपको मैं एक 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 का नेटवर्क का झलक बताते जाऊंगा। बेसिक बेसिक जो है आपको मैं बताता हूँ। बन गया आपका R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो इसी को हम, या ये भी आपको मालूम है, ये मैंने कैपेसिटर में आपको सिखाया है, ज्यादा कुछ सिखाने का जरूरत नहीं।
जिन्होंने कैपेसिटर का ठीक से स्टडी नहीं किया है उन लोगों के लिए बताता हूँ मैं, ये ठीक से इसका स्टडी करो। ये देखो यहाँ पे लिखेंगे हम ए, ए के बाद में कौन आता है, ऊपर आर टू नीचे आर वन, नहीं तो कैसे भी लिख सकते हैं। ओके मैं मेरे लिए मैं आर वन ऊपर लिखता हूँ, आर टू नीचे लिखता हूँ। ओके इसको बोलता हूँ आर वन, ओके आर टू, आर वन और आर थ्री भी जुड़े हैं, आर थ्री और आर फोर भी जुड़े हैं, और उनके बीच में आर फाइव है, उनके बीच में आर फाइव है, इसको बी बोला। तो इट इज कॉल्ड एज इफ आर वन अपॉन आर टू विल बी इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देन इट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड विटस्टेंस नेटवर्क। ये क्या है विटस्टेंस नेटवर्क वगैरह, इसी टॉपिक में आपको बाद में हम बताने वाले, तो डोंट वरी अबाउट दैट, इट इज द बैलेंस्ड विटस्टेंस नेटवर्क। तो अगर ये बैलेंस्ड विटस्टेंस नेटवर्क है तो क्या करने का है, अगर ये ऐसे हैं, अगर है तो आर फाइव को मैं हटाने वाला हूं, आर फाइव को मैं हटाऊंगा और मेरा खाली सर्किट क्या बन गया, आर वन आर थ्री आर टू आर फोर। सो जस्ट आई विल राइट ऊपर आर वन प्लस आर थ्री और नीचे कितना ले लूंगा आर टू प्लस आर फोर, लेकिन उनको कैसे ले लूंगा, ये और ये को मैं पैरेलल ले लूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा आर वन प्लस आर टू, सॉरी आर वन प्लस आर थ्री पैरेलल आर टू प्लस आर फोर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर दिया 4 4 4 4 और इधर दिया 10, तो अभी 4 4 4 सब सेम है, तो ये सब जो रेशो आने वाला है वो भी आपका सेम आने वाला है। अगर वो सेम आ रहा है तो ये जो 10 है उसको आप निगलेक्ट करोगे, ऊपर 4 4 4 4 का बन गया 8, नीचे 4 4 4 4 का बन गया 8, 8 और 8 का पैरेलल, अभी मैंने बताया था आपको दो इक्वल रेजिस्टर का पैरेलल लिया तो उसका जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो अभी उसका वैल्यू हर एक का कितना है 8 का है, तो ऑफ कोर्स इट विल कम 8/2, इट विल कम 8/2, दैट इज अगेन 4। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर इक्वल रेजिस्टर दिए हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही आएगा, पहले केस में भी इस केस में भी, आर गेटिंग माय पॉइंट, सो दीज आर सम केसेस। नाउ यहां पे कुछ कुछ हर एक प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर मैंने ट्रायंगल बना दिया, मैंने बना दिया ट्रायंगल, तो इसको बोला बी, इसको बोला ए, इसको बोला आर वन, इसको बोला आर टू, इसको बोला आर थ्री, एकदम सिंपल है, आर वन आर टू सीरीज में है, आर थ्री पैरेलल में, तो आर वन एंड आर टू ये सीरीज में है और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल विथ आर टू, कॉम्बिनेशन इज पैरेलल विथ आर टू, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर ए बी। ओके इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, आर वन आर टू और ये आर थ्री, ये आर वन ये आर टू ये आर थ्री, ये बन गया ए ये बन गया बी, तो इसको लिख सकते हैं आर ए बी विल बी आर वन प्लस आर टू पैरेलल आर थ्री, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। अभी इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारे हम इक्वेशन उसको बना सकते हैं। ओके सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, इसको नोट डाउन करो, अभी बनाते हैं स्क्वायर। ये आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, अब ये दो के बीच में है, स्क्वायर बन गया, मतलब आर वन आर टू एंड आर थ्री तीनों भी है सीरीज में और इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में आर फोर से, तो आपका बन गया आर ए बी विल बी, पहले इनका सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री पैरेलल में आपका आर फोर। वैसे ही
फिफ्थ वन, सिक्स वन कैसे करेंगे? ऐसे ही कॉम्बिनेशन, खाली ऐसे दे सकते हैं आपको, इधर ए दिया, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं अभी, पर यहां पे बी नहीं दिया, बी दिया यहां पे, तो भी आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। अभी क्या हुआ, ए और बी के बीच में ऊपर दो नीचे दो, ऊपर कितने हैं आर वन एंड आर टू, नीचे आर थ्री एंड, सो इट्स वेरी सिंपल, आर ए बी विल नाउ बिकम आर वन प्लस आर टू पैरेलल आर थ्री प्लस आर फोर, आर वन प्लस आर टू पैरेलल आर थ्री प्लस आर फोर, ये बन गया आपका कॉम्बिनेशन। सिक्स सेवन बताता हूँ आपको, एक और भी बताता हूँ, अगर मैंने ऐसे किया और इसको बोला अभी ए और बी, एक्चुअली ये सेम ही है इसके जैसा, खाली एक रेजिस्टर इसमें ऐड किया है, इसको बोलूंगा आर वन, इसको बोलूंगा आर टू आर थ्री आर फोर और ये आर फाइव, अभी क्या बन गया मेरा आर वन आर टू, ये कॉम्बिनेशन बन गया, आर थ्री आर फोर का एक कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये सीरीज, ये सीरीज और ये इसका सीरीज पैरेलल, ये पैरेलल, ये तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, आर ए बी विल बी, पहले क्या बनेगा आर वन प्लस आर टू पैरेलल आर फाइव पैरेलल आर थ्री प्लस पैरेलल, यहां पे लिख देता हूं इसका, आर ए बी विल बी आर वन प्लस आर टू पैरेलल आर फाइव पैरेलल आर थ्री प्लस आर फोर, तो इतना एकदम इजी है, इसको डिफिकल्ट बनाने का जरूरत नहीं। ये हो गया एकदम सिंपल ग्रुपिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल ग्रुपिंग बोलते हैं। अभी हम देखने जाएंगे मिक्स ग्रुपिंग, लेकिन वो मैं आज आपको नहीं पढ़ाने वाला, आज आपको मैं नहीं पढ़ाने वाला, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मैं आपके लिए खास ले लूंगा, आपके लिए मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन खास ले लूंगा, उसमें आपको मैं ये मिक्स ग्रुपिंग वाला पढ़ाऊंगा। तो मिक्स ग्रुपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन विल बी सून टेकन फॉर यू, सो मिक्स ग्रुपिंग विल बी टेकन एज सेपरेट पीएस सेशन, ओके, इसका मैं आपके लिए सेपरेट पीएस सेशन बनाने वाला हूँ और आपको उस टाइम नोटबुक में उसका सब बनाना पड़ेगा, नोटबुक में उसका सब बनाना पड़ेगा। तो अभी अभी हम आगे जाते हैं, फॉर नेक्स्ट मंथ वी विल गो फॉर किरचॉफ्स रूल, व्हाट विल गो फॉर किरचॉफ्स रूल, तो ये किरचॉफ्स रूल वगैरह क्या है वो अभी हम समझ के लेते हैं, ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ किरचॉफ्स रूल्स। और लॉज दो है, एक को हम बोलते हैं केसीएल और एक को बोलते हैं केवीएल, ये करंट के लिए और इसको बोलते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल के लिए, इसको करंट के लिए बोलते हैं, इसको पोटेंशियल। तो पहले हम शुरू करते हैं, विल स्टार्ट विथ के सी एल, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब ये करंट में क्या है, लॉ ऐसे स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट क्या है देखो आपका, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। क्या लिखा है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन
is always zero. और इसको अलग भी लिख सकते हैं, और यही रूल ऐसे भी बता सकते हैं, टोटल करंट अराइविंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन. मतलब किसी भी जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना ही करंट पास हो जाएगा. और alternatively we can speak that the algebraic sum of the current at any junction is found to be always found to be zero. अब इसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं. इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम कैसे बनाएंगे, जंक्शन क्या है, पहले हम जंक्शन क्या है स्टडी करते हैं. जंक्शन, व्हाट इज मीन बाय अ जंक्शन. तो जहां पे बहुत सारे वायर इकट्ठा आते हैं एक ही पॉइंट में, इसको बोलते हैं जंक्शन. इसको बोलते हैं जंक्शन. तो इधर मैंने लिखा ये I1 अंदर जा रहा है, I2 बाहर आ रहा है, फिर I3 अंदर जा रहा है, I4 अंदर जा रहा है और I5 बाहर. तो इसका मतलब अगर उनको आपको ये किरचॉफ्स करंट रूल आपको अगर फॉलो करना है, उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो अलजेब्रिक सम ओके इज जीरो. तो वो कैसे बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. क्या बन गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू जीरो. ओके ये लिख के लो. ओके अब इसके बाद ये हम कैसे प्रूव करते हैं, देखो टोटल करंट, तो टोटल करंट जो अप्रोचिंग जंक्शन है उसको सेपरेट करो और दूसरी बाजू को टोटल करंट लीविंग द जंक्शन करो. ओके टोटल करंट अप्रोचिंग कितना हो जाएगा आपका, I1 प्लस I3 प्लस I4, ये क्या हुआ टोटल करंट अप्रोचिंग द जंक्शन, टोटल करंट अप्रोचिंग द जंक्शन. और बचा हुआ I2 प्लस I5, ये है आपका टोटल करंट लीविंग द जंक्शन. अगर वैसे चीज है तो आपको क्या करना है, सो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. फॉर्मूला मतलब आपको एक बात याद रखनी है कि टेक करंट अप्रोचिंग पॉजिटिव देन करंट लीविंग विल बी निगेटिव. जंक्शन को, जो जंक्शन को अप्रोच कर लिया उसको पॉजिटिव लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 I3 प्लस I4. अभी इसको I2 का माइनस करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, I1 I2 को क्या करेंगे अभी माइनस करेंगे, माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5. तो ये टोटल बनाने के लिए करेक्ट प्रॉब्लम बन गया, करेक्ट ये बन गया अपना ये. तो इसमें आपको क्या करने पड़ेगा, आपका किरचॉफ्स रूल वैलिड करने के लिए इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा. अभी मैंने पहले तो एडिशन करके दिखाया था, लेकिन अभी विद डायरेक्शन कौन सा अप्रोच हो रहा है, कौन सा लीव कर रहा है. तो अभी अगर अप्रोचिंग के लिए पॉजिटिव लिया तो खाली I2 और I5 को आपको बनाना पड़ेगा. तो अभी देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एक साइड को रहेगा मेरा I1 प्लस I3 प्लस I4. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं,
टोटल करंट अप्रोचिंग जंक्शन इज इक्वल टू, जो निगेटिव उसको उस साइड पे डाल देता हूं, आई टू प्लस आई फाइव। तो ये क्या बन गया टोटल करंट, ये क्या बन गया आपका टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। तो फिर से मैंने लिखा तो अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, और वेक्टर सम भी बोल सकते हैं, लेकिन वेक्टर करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसलिए उसको बोलने का जरूरत नहीं। खाली क्या करने का है, अप्रोचिंग को पॉजिटिव किया तो लीविंग को निगेटिव करने का, अगर अप्रोचिंग को निगेटिव किया तो लीविंग को आपने पॉजिटिव बनाने का है। और वो करने के बाद आपको मिलता है, तो मिलता है पहले इक्वेशन ये, बाद में मिलता है इक्वेशन ये। तो आज मैं क्या करता हूँ, आपको आज मैं होमवर्क देता हूँ, एंड वो होमवर्क एकदम सिंपल है। आज तो एकदम क्रिटिकल कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं देने वाला आपको, खाली मैं होमवर्क देता हूँ, उसमें आपको मैं ऐसे नोट्स दे दूंगा और आपको क्या करना है, उस नोट्स में से यू हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इक्वेशन एंड देन दिस इज इक्वल टू दिस एज अ प्रैक्टिस। सो शैल वी स्टार्ट, इसको लेना है अगर तो पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको ले जाओ। ओके तो भी आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम में देता हूं, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ करंट लॉ एंड फाइंड इक्वेशन फॉर करंट। पहले लिख देता हूं आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो जूम करके देखो, नहीं तो पॉज करके देखो, आई थिंक ये दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। सेकंड ले लो आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स। तो ये दो होमवर्क है आपको बनाना पड़ेगा, और बनाते बनाते आप कर सकते हो। और ये एक बना रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल। यहां पे तीन जंक्शन, तो हर एक जंक्शन में आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो इसको मैं बोला ठीक है, अभी ये नहीं बताता आपको क्योंकि आपको जंबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो करो आप, ये दो करो, इसके बाद में हम करें। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव गॉट द आइडिया अबाउट द जंक्शन रूल। तो ये जंक्शन रूल क्यों होता है, तो इसका थोड़ा सा आपको मैं ये बताता हूँ, क्या बताता हूँ इसका थोड़ा सा समराइज करके बताता हूँ। आपने सीरीज में देखा हुआ, तो सीरीज में कहीं पे भी नो जंक्शन वॉज देयर, सीरीज में कहीं जंक्शन का नहीं था। तो जंक्शन का यूज कब होता है, जंक्शन का नीड कब लगता है, ऑफकोर्स जब अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। तो आपने देखा है अगर तीन रेजिस्टर है पैरेलल में निकाले हुए, तो यहां पे दो जंक्शन आते हैं, यहाँ पे दो जंक्शन आते हैं, जंक्शन नंबर वन और जंक्शन नंबर टू। तो जितना करंट जंक्शन को अप्रोच करता है I, उतना ही करंट जंक्शन लीव करता है। तो ये आई वन आई टू आई थ्री, तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, समझ गए। नहीं तो कैसे लिख सकते हैं, I माइनस आई वन माइनस आई टू, ये माइनस क्यों लिखा, अप्रोचिंग जंक्शन पॉजिटिव देन लीविंग जंक्शन निगेटिव। सो क्या लिखेंगे हम, आई माइनस आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो क्या मैं लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस
आई थ्री बन गया क्या? अभी यहां पे देखो वही करंट आई वन अभी अप्रोच हो रहा है, वही करंट आई वन अभी अप्रोच हो रहा है, आई टू भी अप्रोच हो रहा है, आई थ्री भी अप्रोच हो रहा है, लेकिन आई मेरा टोटल आई लीव कर रहा है, टोटल आई मेरा लीव कर रहा है। तो यहां पे कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई विल बी जीरो। ऑफ कोर्स फिर से मेरा क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो ऑल टुगेदर ऑल्सो इस जंक्शन में जितना करंट आई ने अप्रोच किया था उतना ही करंट लीव किया, जितना करंट फिर से अप्रोच किया था उतना ही करंट उसने लीव किया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स करंट रूल। सो बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल वॉट एवर इट इज देयर दैट वी विल सी टुमारो बिकॉज इट कंटेन्स द लूप। तो आपको कल क्या सीखना है? कल अपने को सीखना है लूप। कल सीखना है अपने को लूप क्या होता है। तो ये लूपिंग का है, KVL बोलते हो, KVL हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का आपका क्या काम क्या है? तो पहले आपको होमवर्क दिया है, कलर कोड ऑफ द कार्बन रेजिस्टर पहला होमवर्क नंबर वन, दूसरा फाइंडिंग द कलर कोड फ्रॉम द गिवन वैल्यू, ये होमवर्क टू दैट यू हैव टू डू। आई विल सी थर्ड होमवर्क मैंने दिया है KCL में आपको दो डायग्राम बना के दिया है, उसका आपको करंट का इक्वेशन कैलकुलेट करके रखना है टुमारो श्योर और टुडे ऑल्सो, टुडे इटसेल्फ आई विल टेल यू टू शो यूर नोटबुक्स। ओके सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे वो भी ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए अलग बना रहा हूँ। तो टेक द रीड ऑफ दैट, टेक द बेनिफिट ऑफ दैट एंड ट्राई टू मेक यू वेरी क्लेवर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फॉर द कर। ओके सो दैट्स ऑल टुडे, आई विल कॉल अ डे फॉर फिजिक्स एंड टुमारो अगेन वी विल कम अप विथ KVL, तो KCL और KVL और उसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं और नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टेंस कौन से मिक्स ग्रुपिंग। सो टुमारो वी विल स्टडी मिक्स ग्रुपिंग KVL एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन KCL एंड KVL। लेकिन KCL KVL के प्रॉब्लम के पहले आपको बैटरी वगैरह इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह वो बात मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं वो भी आपको पहले बता के रखूँगा। तो गेटिंग माई पॉइंट, सो दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग माई लेक्चर, थैंक यू, हैव अ गुड डे।